एक टेबल स्पून हल्दी डालेंगे इसमें गाइस। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा आपको जितना चाहिए। उसके बाद में इसे हम ऐसे ही पकाते रहेंगे, पानी थोड़ा सूख जाए, चिकन पक जाएगा और पानी के लिए नहीं ऐड करने का। चावल भीग चुका है, इसे हम अभी पानी उबल रहा है उसमें डालेंगे। आधा ही चावल पूरा नहीं पकाने का, आधा ही पकने देने का चावल को, उसके बाद में पानी से निकाल लेने का चावल को। हमारा चिकन जो है पक चुका अच्छा से, अब हम इसे गैस बंद करके बिरयानी में ऐड। हम पुदीना को थोड़ा भूज लेंगे तेल में, चिकन थोड़ा ऐसे नीचे डाल दीजिएगा तो चावल कड़क हो जाएगा, थोड़ा रस रहेगा तो नीचे जलेगा नहीं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। या रोज वाटर, उसमें डालेंगे थोड़ा ऑरेंज रेड कलर। अब उसे बिरयानी में ऐड कर लेंगे हम, इस तरह से दिखने में अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। थोड़ा आधा कप दूध डाल देने का उसमें, जो चावल को और थोड़ा पकने में मदद करेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। जो हमने बरिस्ता लिया था वो ऊपर से डाल देंगे। धनिया पत्ता भी ऐड कर लेंगे ऊपर से। पुदीना जो हमने भूजा था घी में उसे भी ऐड कर लेंगे। गार्निश करके हो चुका है। अब इसे थोड़ा 10 मिनट दम के लिए रख देंगे ढक के, स्लो आंच में पकाने का। जो चावल कच्चा रहेगा वो पक जाएगा अच्छे से। बिरयानी जो है पक के रेडी हो चुका है। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देख करके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को बिरयानी को प्लेट में सर्व किया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा बहुत सारे भाई बहन जो वीडियो देखते हैं उसे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम भी बहुत मेहनत करते, और वीडियो देखने वाले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।